हेलो दोस्तों, मैं प्रगति। आप सभी का मेरे चैनल सरकारी सोर्स में स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ एलटीके सच्चावर्ती की लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट है और काफ़ी अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोग ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डर पब्लिश हो चुका है और मैं आपको बताऊँ, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि ऑर्डर कब तक आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि इस वीक में ऑर्डर आ जाएगा और वैसा ही हुआ कि ऑर्डर इस वीक आ चुका है। और हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ऑर्डर इसके हक में आया, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या होगी बचे हुए विषयों के परिणाम और सत्यापन की डेट को लेकर, कि कब तक हमारे सत्यापन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम के नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए दोस्तों, मैं आपसे पूछूंगी अब एक क्वेश्चन। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन वन 28, ऑप्शन टू 29, ऑप्शन थ्री 27, ऑप्शन फोर 25। आप लोगों को देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमारा जो ऑर्डर पब्लिश हुआ है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगी दोस्तों, जो ऑर्डर आया है वो आया है एसटीएफ के हक में। जी हाँ दोस्तों, आयोग के हक में ये ऑर्डर नहीं आया है। काफ़ी लोग थे जो बोल रहे थे कि मैम जो ऑर्डर आएगा वो आयोग के हक में आएगा, उनके हक में गया है, बट मैं उन लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, जो ऑर्डर आया है वो एसटीएफ के हक में आया। इसका मतलब ये है कि जो अब जो आयोग बोल रहा था कि हम अपने दस्तावेज किसी को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये गोपनीयता का हवाला देते हुए सारी बातें वो बोल रहा था, जिसके लिए उन्होंने ये जो केस किया था, तो हाई कोर्ट ने इस केस को जो है खारिज कर दिया। और उन्होंने बताया है, उन्होंने बोला है कि एसटीएफ को पूरी छूट है, वो अपनी जांच कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आयोग को सारे के सारे दस्तावेज दिखाने होंगे इस जांच के। और मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है ऑफिशियल नोटिस। तो आप देख सकते हैं ये 82 पेज पर ये नोटिस आया है, और लास्ट में आप देख सकते हैं कि पिटीशन फेल्ड एंड इट्स अ डिसमिस, मतलब कि इनके जो केस है, आयोग का जो केस है, उसको खारिज कर दिया गया है। तो अब और देख सकते हैं ये ऑर्डर जो पब्लिश हुआ है वो 4/7/2019, मतलब आज ही ऑर्डर पब्लिश हुआ है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज ऑर्डर आएगा, मतलब आज नहीं, मतलब इस वीक ऑर्डर आ सकता है, और वैसा ही हुआ, ऑर्डर आ चुका है। अब चलिए दोस्तों, साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि अब क्या रहेगा एलटीके शिक्षा भर्ती के परिणाम और जो भी रिजल्ट है उसको लेकर, और परिणाम और सत्यापन की डेट को लेकर। तो कोर्ट ने बोला है कि जो जांच है वो चलती रहेगी, एसटीएफ अपनी जांच करता रहेगा इस मामले में, कि पेपर लीक का जो मामला है, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, जो बचे विषयों के रिजल्ट हैं वो बहुत जल्द जारी कर दे, और जो सत्यापन की जो नई तिथि है वो बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि जुलाई के लास्ट में हमें सत्यापन की नई तिथि देखने को मिल सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी एक न्यूज़ है उन सभी लोगों के लिए जो लोग मेरे चैनल पे बने हुए हैं, और जिन लोगों का एलटीके शिक्षा भर्ती में जो अभी तक रिजल्ट आए हैं उनमें सिलेक्शन हो चुका है, मतलब वो सत्यापन की डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, और हम यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द जो सत्यापन की डेट है वो आ जाए, क्योंकि ये सच्चाई है कि जिन लोगों ने मेहनत की है वो लोग चाहते हैं कि उनको अपॉइंटमेंट मिल जाए, क्योंकि टाइम लगता है एक पेपर की तैयारी करने में, और इसको वापस से उतना तैयार करना पॉसिबल नहीं होता। तो जो गलत हैं, जिन्होंने पेपर आउट करवाया है, जो इस धांधली में मिले हुए हैं, उनके ऊपर केस चले, और जितनी भी छानबीन की जाए, जो जांच की जाए वो सही निकले, जो लोग गलत हैं उनके साथ गलत हो, बट जिन्होंने मेहनत की उनके साथ गलत ना हो। तो उन लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है, और हम यही कोशिश करेंगे कि जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी सत्यापन की डेट से सत्यापन से रिलेटेड और बच्चों विषयों के रिजल्ट से रिलेटेड एलटीग्रेट एग्ज़ाम से, तो हम बहुत ज़्यादा आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो अभी मेनली यही है कि जो ऑर्डर है वो खारिज कर दिया गया, मतलब आयोग की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया, एसटीएफ पूरी जांच करेगी। अब देखते हैं दोस्तों, कब तक हमें ये जो परिणाम है और सत्यापन की डेट की जो बात की जा रही है कि जुलाई के लास्ट तक हमें देखने को मिल सकते, तो कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि नए अध्यक्ष आ चुके हैं प्रभात कुमार, और जैसा कि आपको पता ही है कि आज की न्यूज़ ही थी कि अनु सचिव हैं उनको डिसमिस कर दिया गया है उनके पद से। तो ये सारी अब काफ़ी रफ्तार पकड़ ली गई है, आयोग में सफाई की जा रही है, तो देखते हैं कब तक ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो पाएंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर अभी की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन का आंसर भी दें मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।